नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको कसुम्बी रोड का दृश्य दिखा रहा हूं। सुजानगढ़ से देवलाठी बालाजी मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी पर यहां पर एक गोश्त चिकित्सालय बन रहा है, और कौन बना रहा है ये आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिलों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ये कार्य कर रहा है बजरंगी गौ सेवा समिति। आपने एक वीडियो देखे होंगे बबलू बजरंगी और उनकी पूरी टीम के, जब कोरोना का कहर बरप रहा था उस समय जब गौ माताएं भूखी मर रही थी तो बजरंगी गौ सेवा समिति ने हजारों गायों की सेवा की। उसके बाद में कोरोना जैसी एक बीमारी का संकट गौ माता पर, लंपी वायरस, और अभी पीछे आपने देखा कि किस तरह से जिन गौ माताओं का शरीर सड़ गया था ऐसी गौ माताओं की सेवा करके बजरंगी गौ सेवा समिति ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये दो संकट आने के बाद में बजरंगी गौ सेवा समिति ने निर्णय लिया कि अगर प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है तो हमें भक्तों के सहयोग से कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम गौ माता का बहुत अच्छा सेवा का कार्य कर सके। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक 5 बीघा ज़मीन खरीदी है 45 लाख रुपए में, जहाँ पर गौ चिकित्सालय का एक मिशन उन्होंने शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए 24 दिसंबर को एक विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया है। राजस्थान के सेकावड़ी के तमाम संत वहाँ पर आ रहे हैं, साथ में राजस्थान के टॉप 23 कॉमेडियन भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है केवल और केवल आप लोगों का सहयोग मिले। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बजरंगी गौ सेवा समिति ने जो मिशन शुरू किया उसमें एक परिवार से, एक व्यक्ति से उन्होंने 11 ईंट मांगी है, और 11 ईंट की कीमत रखी है केवल 51 रुपये। आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम से वो 11 ईंट खरीद सकते हैं, यानी 51 रुपये का सहयोग कर सकते हैं। लेकिन केवल 51 रुपये से सहयोग से काम नहीं चलेगा। जो लोग सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने जिनको अच्छा सामर्थ्य दिया है, पैसा दिया है, वो लाखों रुपए का सहयोग करके इस विराट गौशाला के, इस विराट गौ चिकित्सालय के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और लाखों रुपए का सहयोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले हो चुका है। बजरंगी गौ सेवा समिति की 3 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है जिनसे वो सेवा कर रहे हैं। कसुम्बी, सुजानगढ़ और आसपास के गाँव के सरपंच मौजूद है, गौ भक्त मौजूद हैं। और मैं केवल और केवल इसलिए आज आया हूँ कि 24 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है आप उसमें आएँ और देखें कि बजरंगी गौ सेवा समिति, जिसने राजस्थान में गौ सेवा के कीर्तिमान बनाया है, लोगों के दिलों में श्रद्धा बनाई है, वो किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं। कसुम्बी सरपंच गिरधारी लाल जी जाट आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। कसुम्बी के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और बड़े सहयोग का आश्वासन भी दिया है। पूर्व सरपंचगण भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सरपंच सही राम जी भी मौजूद हैं, सरपंच मांगीलाल जी मेघवाल भी मौजूद हैं। समिति सदस्य ओम जी बागड़ा के भाई आनंद जी भी यहाँ पर मौजूद है। बागड़ा परिवार का हमेशा सहयोग रहा है इस क्षेत्र में, और ये तमाम लोग गौ सेवक लोग हैं जो सेवा की भावना से यहाँ पर पहुँचे हैं और एक भव्य आयोजन में सभी अपनी भागीदारी अदा करना चाहते हैं। व्यक्ति को नमन करता हूँ, आदरणीय नारायण जी दादा, जिन्होंने 5 लाख का पहला सहयोग इस मिशन के लिए दिया है। और ये बजरंगी गौ सेवा समिति की टीम, युवाओं की एक टीम, मैं हमेशा इनको सैल्यूट करता हूँ। बबलू बजरंगी के ये सारे साथी जिन्होंने एक मिसाल लोगों के सामने रखी है। कहते हैं आज का युवा भटक रहा है, लेकिन इन युवाओं को देखकर लगता है कि सच में भगवान ने गौ सेवा के लिए दूत भेजे हैं, जिन्होंने कोरोना काल और लंपी वायरस में अभूतपूर्व सेवा गौ माता की। और इसी के बल पर लोगों का एक सुझाव मिला बबलू जी को कि गौ चिकित्सालय का निर्माण क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि प्रशासन कभी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लंपी वायरस में भी प्रशासन ने उल्टा बबलू बजरंगी पर केस तक कर डाला था, लेकिन इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और ये टीम अभूतपूर्व कार्य कर रही है। और अगर आप सब जो मेरे दर्शक हैं उन्होंने सहयोग किया तो एक ऐतिहासिक गौ चिकित्सालय बनेगा जिसमें हजारों गौ माताओं की सेवा की जाएगी। और सारे लोग जो यहाँ पर आज आए हैं इस संकल्प के साथ आए हैं कि इस चिकित्सालय का हम निर्माण करेंगे और सेवा करेंगे। 24 दिसंबर को विशाल भजन संध्या हो रही है एक शाम गौ चिकित्सालय के नाम, जिसमें सेकावड़ी के तमाम संत और 23 कॉमेडियन जो सभी को हंसाते हैं वो सब आने वाले हैं। मैंने एक किताब पढ़ी स्वर्ण पथ, जिसमें लिखा था कि भगवान ने अनेक जीव जंतु कीड़े मकोड़े बनाए, लेकिन भगवान ने अपना रूप इंसान को दिया और अपने सारे गुण दिए। एक इंसान में ही भगवान होता है, और जो इसको पहचान लेता है वो भगवान जैसे कार्य करने लग जाता है। एक युवा मेरे साथ है, मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ, बबलू बजरंगी। मुझे लगता है कि जब भगवान कृष्ण गए अपने स्वधाम तो अपने ऐसे ऐसे रूप छोड़ के गए ताकि गौ माता की सेवा हो सके, ऐसा एक स्वरूप है। और अनेक वीडियो के माध्यम से आप लोग इनके बारे में जान चुके हैं, लेकिन जब भी लंपी वायरस बीमारी के दौरान गौ माता के लिए आपने आंदोलन किया तो
इनके ऊपर केस भी ठोक डाला, अनेक लोगों पर हुआ, लेकिन जो सेवा के जज्बे से आते हैं, भगत सिंह यह सोचता कि मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो ऐसे युवा नहीं होंगे तो गौ माता खत्म हो जाएगी, और लंपी वायरस से तो ऐसा ही लग रहा था कि गौ माता का अस्तित्व खत्म होने वाला है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ देश के ऐसे लोगों को जिन्होंने सेवा की और गौ माता को बचाया, और मेरे वीडियो के माध्यम से लाखों रुपए का सहयोग कनाडा, इटली जैसे बाहर के देशों से भी आया। तो आज मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सुजानगढ़ के कसुम्बी के पास में एक गौ चिकित्सालय बन रहा है, अगर करोड़ों की लागत से एक अच्छा चिकित्सालय बन जाए तो हमें उम्मीद है कि जो व्यक्ति दिन रात एम्बुलेंस लेकर इन युवाओं के साथ गौ माता की सेवा करता है उसको दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आप लोग गौ भक्त बनकर सहयोग करें। एक व्यक्ति से 51 रुपये 11 ईंट मांगी जा रही है, आप 51 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकते हैं, जितना देंगे उतना बड़ा चिकित्सालय बनेगा और गौ माता की सेवा होगी। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप मिशन लेकर आए हैं, जो योजना लेकर आए हैं, इसको क्यों लेकर आना पड़ा, क्या परेशानी आपके सामने आ रही थी? सभी को नमस्कार, और जो शिव कुमार जी तिवाड़ी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमेशा एक जैसे कदम से कदम बढ़ाने की राय दी है और हम इन्हीं की राय पर चले हैं। और सभी गांव वालों का और सभी सुजानगढ़ वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम 4 साल से जो सेवा कर रहे थे उस सेवा से आज क्या है कि कोई जानवर बीमार हो जाता था तो हम रोड पर इलाज करते थे और उसको जो उपचार मिलना चाहिए वो उपचार आज तक नहीं मिला। तो अभी बीमारी आई थी तो उस बीमारी में देख लिया, सब अधिकारी को देख लिया, सब नेताओं को देख लिया, पर वो कोई काम नहीं आए, क्योंकि जब ये बीमारी थी, जब गायों को, जब पशु पक्षियों को जरूरत थी उपचार की, जब इनको उपचार नहीं मिल सका, जब मेरा आज 4 साल का सपना था कि एक चिकित्सालय बने जहाँ हर जीव की, जो बेजुबान जीव है, पशु पक्षी है, उसका उपचार हो और वो बिल्कुल फ्री हो। और आज जब मैंने एम्बुलेंस भी है ना, जो मेरे पास एक एम्बुलेंस थी, फिर एक एम्बुलेंस और नारायण जी ताऊ जी ने हमें करवाई और एक एम्बुलेंस हमने और ले ली, तो अब मैं ये चाहता हूँ ये आसपास के जो गांव हैं, कसुमी, लेड़ी, तवरा, जो भी अपना सुजला क्षेत्र है, वहाँ पे मैं फ्री तो चिकित्सक सुविधा दूँ और फ्री दवाई सुविधा और फ्री एम्बुलेंस सुविधा। अब मैं सब गाँव वासियों का और शहर वासियों का सहयोग चाहता हूँ। खाली सहयोग में ये है कि आज आपका जो 11 ईंट या 51 रुपये का योगदान हमने किया है, उस सहयोग से किसी बेजुबान की जान बच सकती है। आज जो 51 रुपये या 11 ईंट है, आज गुटखा खा के थूक देते हैं, वो पैसे मायने रखते हैं, पर मैं ये मांग रहा हूँ कि 11 ईंट या 51 रुपये आप दोगे ना, वो आपके इस भव्य चिकित्सालय में लगेंगे जहाँ किसी भी पशु पक्षी की जान बच सकती है। तो बहुत बढ़िया योजना है, अगर 2 लाख लोग 51 रुपये दें 1 करोड़ पे हो जाए। उसके अलावा नारायण जी जैसे लोग जिन्होंने 5 लाख रुपए दिए, मैं निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट करता हूँ। हमारे बजरंगलाल जी तापड़िया है, उन्होंने बहुत बड़े सहयोग का आश्वासन दिया है, तो कोई कमी नहीं है सहयोग करने वालों की। और लोग वहाँ पर देते हैं जहाँ पर ईमानदारी से पैसा खर्च होता है, पात्र को दान मिलता है, और इस व्यक्ति ने साबित किया है कि लोगों के पैसे का सदुपयोग हुआ है, चाहे वो प्राणियों की सेवा हो, चाहे कुत्तों की सेवा हो, चाहे गाय की सेवा हो। और ये जो चिकित्सालय बन रहा है यहाँ पर, वो केवल गायों के लिए नहीं, गायों की तो मुख्य सेवा है, तमाम तरह के घायल, जो आप जानते हैं कि सांड भी घायल हो जाते हैं, हिरण भी घायल हो जाते हैं, कुत्ते भी, यानी प्राणी मात्र की सेवा के लिए यहाँ पर एक चिकित्सालय बन रहा है। 5 बीघा की ज़मीन यहाँ पर ली गई है, और मैं निवेदन करूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि जो पीछे बोर्ड आप देख रहे हैं विशाल भजन संध्या, जिसमें तमाम संत इस मिशन को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो 23 कॉमेडियन, राजस्थान के टॉप कॉमेडियन जो आपको मोबाइल में वीडियो के जरिए हंसाते हैं, वो भी यहाँ पर हंसाने के लिए आएंगे। आप हंसेंगे तब जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब गौ माता बचेगी। हमारा सनातन धर्म गौ माता पे टिका है, हमारे धर्म का आधार गौ माता है, उसको बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है इस टीम के द्वारा। और जो टीम आज 100 की संख्या में खड़ी है, वो टीम लाखों की संख्या में होगी। उस दिन सुजानगढ़ कसुम्बी, हमारा सुजला क्षेत्र इतिहास बनाएगा गौ सेवा का, और उसमें आप सब का सहयोग। मैं खुद आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों के वीडियो बनाए हैं और लाखों रुपये का सहयोग आपने विदेशों में बैठकर भी किया है, तो ये जो मिशन है वो निश्चित रूप से इतिहास बनेगा। आज मंदिर बहुत हैं, मंदिरों में घंटी बजाने वाले नहीं हैं, मंदिरों से ज़्यादा आवश्यकता आज जो गौ चिकित्सालय की है, ताकि हम गौ माता को बचा सकें। दूध तो सबको चाहिए, गाय कोई नहीं चाहता, घर में गाय अगर हर व्यक्ति रखने लग जाए तो गायें दर दर की भटक ठोकर नहीं खानी पड़े, गायों को भटकना नहीं पड़े, इसलिए आज गौशालाओं की, गौ चिकित्सालय की जरूरत है। और अगर घर में गाय तो नहीं रख सकते, लेकिन जो गायें बीमार हैं, जो मर रही है, उनको तो बचा ही सकते हैं। आप लोगों का 1000, 2000, 10000, 5 लाख का सहयोग गौ माता को गंभीर बीमारियों से बचा सकता है।
तो मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखकर आप 100 200 500 हज़ार ईंट का संकल्प करें। हर व्यक्ति 51 रुपये का तो कर ही सकता है, अपने घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से आप 51 रुपये देंगे तो ये भव्य चिकित्सालय बनेगा और ये जो टीम खड़ी है इसका संकल्प पूरा होगा। देवलाठी मंदिर रोड जो है सुजानगढ़ से कसुम्बी की तरफ, उस पर चढ़ते ही हाईवे पर ये जमीन ली गई है 5 बीघा, जहाँ पर ये विशाल गौ चिकित्सालय बनेगा। और ये एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सृष्टि का ये चिकित्सालय बनाया जाएगा, जिसमें कहीं से भी कोई गाय आएगी उसकी पूरी सेवा की जाएगी। और एक संकल्प जो लिया गया है एक बजरंगी गौ सेवा समिति का, उसको पूरा करने का जो कार्य है प्रत्येक उस व्यक्ति का है जो गौ माता से प्रेम करता है, जो गौ माता को बचाना चाहता है, जो गौ माता की सेवा करना चाहता है। और ये सैकड़ों लोगों की टीम इसीलिए आज आई है कि इस मिशन को बल मिले और हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करें। जैसे ही हम देवलाठी बालाजी धाम से कसुम्बी की तरफ इस हाईवे को क्रॉस करते हैं, 100 मीटर की दूरी पर ये जगह है जहाँ पर ये गौ चिकित्सालय बनने वाला है। मैं निवेदन करूँगा जितने लोग वीडियो देखेंगे वो सहयोग करेंगे, अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे ताकि हम गौ सेवा का ये जो मिशन है इसको पूरा कर सकें। नेशनल हाईवे नंबर 58 और ये बोबासर से लाडनू की तरफ जो सड़क निकलती है, सुजानगढ़ से कसुम्बी को क्रॉस जहाँ पर किया जाता है वहीं पे ये देवलाठी बालाजी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यह चिकित्सालय बन रहा है। हाईवे पर ये विशाल बोर्ड लगाए गए हैं ताकि जो व्यक्ति भी देखे वो सहयोग करे। 24 दिसंबर रात 7 बजे यहाँ पर विराट भजन संध्या हो रही है, जिसमें गौ माता को समर्पित ओम जी मुंडेल गायक आ रहे हैं, अनेक संत महात्मा से कवाटी के रूप में भी इसको भी देना रहे हैं। मित्रों, ये गौ चिकित्सालय जो बन रहा है सुजानगढ़ से कसुम्बी के पास बन रहा है, कसुम्बी के लिए जो सड़क क्रॉस करते हैं NH-58 वहाँ पर बना है, और पूरा कसुम्बी गाँव का जो एक दल है जो गौ सेवा के लिए समर्पित है वो पूरा मौजूद है। लेकिन प्रतिनिधि के रूप में गिरधारी से सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस कार्य को जो यहाँ पर हो रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे गांव के पास हो रहा है, दूसरी हमारे गांव में गौशाला बन रही है और पशु चिकित्सालय बन रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा खुशी नहीं जाहिर कर सकते। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जितना सहयोग होगा गाँव से जितना ज़्यादा होगा जितना दिलवाएंगे। ये देखिए, ये सरपंच साहब कह रहे हैं कि जितना गांव का सहयोग होगा उतना करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस एक निवेदन बार बार आपसे यही कि जो निवेदन आपसे किया गया है, एक व्यक्ति 51 रुपये यानी 11 ईंट का सहयोग करें, और अगर इसमें 2 लाख 5 लाख लोग कर देते हैं तो ये भव्य चिकित्सालय खड़ा हो जाएगा और उसके बाद में हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करेंगे। इस वीडियो को साधारण वीडियो मत समझना, एक अपील, एक मार्मिक अपील गौ माता को बचाने की। और राजस्थान में अनेक गौ चिकित्सालय बने हैं, लेकिन ये गौ चिकित्सालय जो बन रहा है वो एक पीड़ा है एक ऐसी संस्था की, जिसने देखा है कि गौ सेवा करना कितना कठिन है। गौ माताओं के नाम पर लोग पैसे कमाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, उनसे बचने की आवश्यकता है। अब ऐसे लोगों की आवश्यकता जो निश्चित रूप से आपके एक एक पैसे का उपयोग जो है वो गौ चिकित्सा के लिए करे, गौ सेवा के लिए करे। और जिसने पहला सहयोग किया है वो नारायण जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नारायण जी, क्या अपील करेंगे, क्योंकि पहला सहयोग आपका मिला है और ऐसे सैकड़ों लोगों की आवश्यकता है। मैंने इस बच्चे की जो सेवा भाव देखा लॉकडाउन के अंदर और अभी लपी में, और खाली गौ माता नहीं, कोई भी पशु पक्षी हो हर के लिए ये एनी टाइम मतलब तैयार रहता है। तो प्रेरित होकर मैंने ऊपर वाले की दया से इसको प्रेरित किया, अभी कोई जगह बनाता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पात्र को दान दिया जाता है। ये दान किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति पर एहसान नहीं करें, आप एक धर्म का कार्य करें, जिस काम के लिए आपको धरती पर भगवान ने भेजा है, जीव मात्र की सेवा का। बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, आप हाथ से सहयोग नहीं कर सकते लेकिन पैसे का सहयोग कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आप जितना दान देते हैं लाखों गुना भगवान उसका देते हैं, बस इस बात का विश्वास होना चाहिए। जो लोग दान करते हैं उनकी आदत बन जाती है दान करने की, उनको पता होता है कि दान करने से क्या फल मिलता है। तो एक बार करके देखिए, एक पुनीत कार्य के लिए करें, बेजुबान जीव के लिए, जो गाय माता हमें उम्र भर दूध पिलाती है, पैदा करने वाली माँ तो हमें 2 साल ही पिलाती है, लेकिन ये गौ माता वृद्धावस्था तक हमें दूध देती है, बस उसको बचाने की एक मिशन है, जरूर शामिल होइए। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी यशवंत के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।